मेरे प्यारे देशवासियों, यह हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई, जिन्हें बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 5,000 लोग तो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली है, वे सचमुच हृदय को छू लेती हैं। परवीन फातिमा तमिलनाडु के तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बनी है। 1 साल पहले तक वह करगिल के एक छोटे से गांव में रह रही थी। आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आत्मविश्वास आया, वो आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है। परवीन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है, और ये सभी आज तमिलनाडु के उसी फार्म में काम कर रहे हैं। इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज अहमद के लिए वरदान बन करके आया। फियाज ने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन बीमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। फियाज 2 साल तक हृदय की बीमारी से जूझते रहे। इस बीच उनके एक भाई और एक बहन की मृत्यु भी हो गई। एक तरह से उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया। आखिरकार उन्हें हिमायत से मदद मिली। हिमायत के जरिए आईटीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। फियाज अहमद की ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो उन्होंने साथ साथ जारी रखी, वो भी अब पूरी होने वाली है। हाल ही में हिमायत के एक कार्यक्रम में उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसू छलक आए। इसी तरह अनंतनाग के रकीब उल रहमान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो कैंप लगा था, मोबिलाइजेशन कैंप, उसके जरिए हिमायत कार्यक्रम का पता चला। रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिया। यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉरपोरेट हाउस में नौकरी कर रहे हैं। हिमायत मिशन से लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के प्रतीक बने हैं। हिमायत कार्यक्रम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देने वाली कंपनियां और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का आदर्श उदाहरण है। इस कार्यक्रम ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।